जी आया नू प्यारे विद्यार्थियों, 10th क्लास दी साइंस दी बुक दा चैप्टर नंबर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सॉल्व दी एक्सरसाइजेस गिवन एट दी एंड ऑफ दिस चैप्टर। सो बी रेडी विद योर नोटबुक एंड पेन एंड आल्सो अ सेपरेट नोटबुक फॉर ड्राइंग स्केचेस रे डायग्राम्स विद द हेल्प ऑफ पेंसिल एंड अ रूलर। ठीक है, सो अभी तुसी बेशक रफ डायग्राम जड़ा है नाल नाल ड्रॉ करते रहना, ते देन लेटर ऑन यू कैन ट्रांसफर इट टू दी फेयर पोर्शन, फेयर नोटबुक। ठीक है, सो सारिया गल्लां बच्चों नोट करती जानी है, ते जड़ी गल एक्सप्लेनेशन वर्बली की जाएगी उसनों भी ध्यान ना सुनना है। सो आओ शुरू करिए। क्वेश्चन नंबर वन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स कैन नॉट बी यूज टू मेक अ लेंस। इन्हें चो कि मटीरियल का लेंस नहीं बन सकता। सो आंसर इज क्ले, मिट्टी। क्यों? क्योंकि लेंस कैन बी मेड फ्रॉम एनी ट्रांसपेरेंट मटीरियल एंड क्ले इज नॉट ट्रांसपेरेंट। वाटर ट्रांसपेरेंट है, ग्लास ट्रांसपेरेंट है, प्लास्टिक भी ट्रांसपेरेंट फॉर्म विच मिल जाता है, बट क्ले इज नॉट ट्रांसपेरेंट। सो क्ले कैन नॉट बी यूज टू मेक अ लेंस। क्वेश्चन नंबर टू, द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर इज ऑब्जर्व टू बी वर्चुअल इरेक्ट एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। वेयर शुड बी द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। बच्चे नोट्स में तुम दस चुके हैं कि कॉनकेव मिरर गिव्स वर्चुअल इरेक्ट एंड लार्जर इमेज ओनली इन वन सिचुएशन व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द पोल एंड द फोकस। और इन अदर वर्ड्स, the distance between the pole and the object is less than the focal length. ठीक है, सो द आंसर देखो क्लियर आ गया था, डी, पार्ट डी, बिटवीन द पोल एंड द फोकस। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर थ्री, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस टू गेट अ रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। दिस ऑल्सो हैज बीन कवर्ड इन द नोट्स बच्चों। रे डायग्राम विच असी सीखे है कि वेन एवर एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर देन द इमेज इज फॉर्म्ड ऑफ द सेम साइज। ठीक है, या सेंटर ऑफ कर्वेचर कह लो तो या टू एफ कह लो, दैट इज वी नो दैट द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज नियरली ऑलमोस्ट ट्वाइस द लेंथ ऑफ द फोकल लेंथ। सो द आंसर आ गया बच्चों एट ट्वाइस द फोकल लेंथ व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट टू एफ वन और सी वन दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर और एट अ डिस्टेंस विच इज इक्वल टू ट्वाइस द फोकल लेंथ द इमेज साइज इज सेम एज द ऑब्जेक्ट साइज। ओके चलिए, क्वेश्चन नंबर फोर, अ स्फेरिकल मिरर एंड अ थिन स्फेरिकल लेंस हैव ईच अ फोकल लेंथ ऑफ -15 सेंटीमीटर। द मिरर एंड द लेंस आर लाइकली टू बी बोथ कॉनकेव। एवी गल असी नोट्स में समझा चुके हैं तुम्हें कि कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्वेक्स मिरर बोथ हैव पॉजिटिव फोकल लेंथ एंड कॉनकेव मिरर एंड कॉनकेव लेंस दे हैव नेगेटिव फोकल लेंथ। सो दिस फोकल लेंथ इज नेगेटिव, सो बोथ ऑफ देम आर लाइकली टू बी और बोथ ऑफ देम आर कॉनकेव। ठीक है, इतने लिखा भी है थोड़े रेफरेंस लिए, कॉनकेव लेंसेज मिरर्स हैव नेगेटिव फोकल लेंथ, कॉन्वेक्स लेंसेज मिरर्स हैव पॉजिटिव फोकल लेंथ। क्वेश्चन नंबर फाइव, नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम अ मिरर यूअर इमेज अपियर्स इरेक्ट। द मिरर इज लाइकली टू बी, आंसर इज डी, ईदर प्लेन और कॉन्वेक्स। याद रखने का सब तो सौखा तरीका है बच्चों, प्लेन मिरर इज यूज एट होम्स फॉर गैटिंग रेडी। असं अपनी दस्तार सजाने शीशा देख के, सारे प्लेन मिरर होंगे ने, तो हमेशा असं अपना इमेज इरेक्ट देखते हैं। सो प्लेन मिरर ऑलवेज गिवस इरेक्ट इमेज। दूसरी गल, कॉन्वेक्स मिरर बारे असं दस चुके हैं कि इट इज यूज इन व्हीकल्स एज अ रियर व्यू मिरर। तो पिछले जो ट्रैफिक आता है वो हमेशा सानू सीधा नज़र आता है, कभी भी असं इनवर्टेड बस इनवर्टेड ट्रक नहीं देखते। सो यह गल हमेशा ये चेत रखनी कि प्लेन मिररस एंड कॉन्वैक्स मिररस ऑलवेज गिव इरेक्ट इमेजिस, ओनली कॉनकेव मिररर जड़ा है वो इनवर्टेड इमेज भी दिता है तो इरेक्ट इमेज भी दिता है, बट कॉन्वैक्स मिररर गिवस ओनली ऑलवेज इरेक्ट इमेज एंड प्लेन मिररर ऑल्सो गिवस इरेक्ट इमेज। क्वेश्चन नंबर सिक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग लेंसेज वुड यू प्रेफर टू यूज वाइल रीडिंग स्मॉल लेटर्स फाउंड इन अ डिक्शनरी। हम बच्चे देखो, सब तो पहले तो
ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਨਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਪੋਸੀਬਲ ਨੇਗੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢੀਏ ਬਾਹਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਵੀ ਮਸਟ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਦੋਜ ਆਨਸਰਸ ਵਿਚ ਆਰ ਨੋਟ ਪੋਸੀਬਲ ਐਟ ਆਲ। ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ, ਮੈਗਨੀਫਾਈਂਗ ਗਲਾਸ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਕਨਵੈਕਸ ਲੈਂਸ ਹੈਗਾ, ਕਨਵੈਕਸ ਲੈਂਸ ਗਿਵਸ ਇਨਲਾਰਜਡ ਇਮੇਜ, ਬਟ ਕਨਕੇਵ ਲੈਂਸ ਨੈਵਰ ਗਿਵਸ ਇਨਲਾਰਜਡ ਇਮੇਜ। ਕਨਕੇਵ ਲੈਂਸ ਆਲਵੇਜ ਗਿਵਸ ਡਿਮਿਨਿਸ਼ਡ ਇਮੇਜ। ਸੋ ਕਨਕੇਵ ਲੈਂਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਹੀ ਦਿਓ, ਕਨਕੇਵ ਲੈਂਸ ਤਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਲੈਫਟ ਵਿਦ ਓਨਲੀ ਟੂ ਆਪਸ਼ਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ? ਕਨਵੈਕਸ ਲੈਂਸ ਆਫ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ 50 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਐਂਡ ਕਨਵੈਕਸ ਲੈਂਸ ਆਫ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ, ਵੈਨ ਡਸ ਕਨਵੈਕਸ ਲੈਂਸ ਗਿਵਸ ਮੈਗਨੀਫਾਈਡ ਇਮੇਜ ਐਂਡ ਇਰੈਕਟ ਇਮੇਜ? ਵੈਨ ਦੀ ਓਬਜੈਕਟ ਇਜ ਪਲੇਸਡ ਬਿਟਵੀਨ ਦੀ ਓਪਟੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਐਂਡ ਦੀ ਫੋਕਸ, ਠੀਕ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਲੈਂਸ ਹੈਗਾ ਜੋ ਮੈਗਨੀਫਾਈਂਗ ਲੈਂਸ, ਉਹ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ 50 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ। 50 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਇਜ਼ ਆਲਮੋਸਟ ਹਾਫ ਅ ਮੀਟਰ, ਹੈ ਨਾ? ਐਵਲੀ ਆਲਮੋਸਟ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, 12 30 36 12 ਚੌਕ 4 ਫੁੱਟ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਸੋਰੀ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਬੱਚਿਓ, ਮਤਲਬ ਹਾਫ ਅ ਮੀਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ 3 ਫੁੱਟ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਿਆ, 3 12 30 36, ਖੈਰ ਛੋੜੋ, ਆਈ ਐਮ ਫੋਰਗੈਟਿੰਗ ਦੀ ਕਨਵਰਸ਼ਨ ਨਾਓ। ਸੋ ਜਸਟ ਰਿਮੈਂਬਰ ਦਿਸ, 50 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਇਜ਼ ਕੁਆਇਟ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਡਿਸਟੈਂਸ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਸੋ ਦਾ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਨਵੈਕਸ ਲੈਂਸ ਇਜ਼ ਅ ਮੈਗਨੀਫਾਈਂਗ ਲੈਂਸ ਵਿਚ ਗਿਵਸ ਇਰੈਕਟ ਵਰਚੁਅਲ ਐਂਡ ਇਨਲਾਰਜਡ ਇਮੇਜ ਵੈਨ ਓਬਜੈਕਟ ਇਜ਼ ਬਿਟਵੀਨ ਦੀ ਓਪਟੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਐਂਡ ਦੀ ਫੋਕਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ? ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਦੀ ਮੈਗਨੀਫਾਈਂਗ ਲੈਂਸ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਨਵੈਕਸ ਲੈਂਸ ਐਂਡ ਦੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ, ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਵਿਦਇਨ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈਗਾ ਉਹ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੈਨ ਵੀ ਵਿਲ ਸੀ ਦੀ ਇਨਲਾਰਜ ਇਮੇਜ ਆਫ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਨਲਾਰਜ ਇਮੇਜ ਆਫ ਦੀ ਲੈਟਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ? ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਬੱਚਿਓ ਕਿ 30 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਫੀਟ 1 ਫੁੱਟ, ਅਤੇ 30 ਹੁਣ 50 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਆਲਮੋਸਟ 1.5 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਡਿਸਟੈਂਸ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਤੋਂ ਕਦੀ ਵੀ 1.5 ਫੁੱਟ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਕਦੀ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਫ ਯੂ ਯੂਜ਼ ਕੋਮਨ ਸੈਂਸ ਐਂਡ ਲੋਜਿਕ ਐਂਡ ਇਫ ਯੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ, ਯੂ ਕੈਨ ਈਜ਼ੀਲੀ ਚੂਜ਼ ਦੀ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ, ਜੇ ਕਦੇ ਅਟਕ ਵੀ ਜਾਓ। ਸੋ ਕਨਕੇਵ ਲੈਂਸ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਕਨਕੇਵ ਲੈਂਸ ਵਿਲ ਆਲਵੇਜ਼ ਗਿਵ ਡਿਮਿਨਿਸ਼ਡ ਇਮੇਜ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਲਾਸ ਹੈਗਾ, ਲੈਂਸ ਹੈਗਾ ਮੈਗਨੀਫਾਈਂਗ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਕਨਵੈਕਸ ਲੈਂਸ। ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 7। ਵੀ ਵਿਸ਼ ਟੂ ਓਬਟੇਨ ਐਨ ਇਰੈਕਟ ਇਮੇਜ ਆਫ ਐਨ ਓਬਜੈਕਟ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਅ ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ। ਹੁਣ ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਉਹ ਇਰੈਕਟ ਇਮੇਜ ਕਦੋਂ ਦਿੰਦਾ? ਵੈਨ ਦੀ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਕਿ ਇਰੈਕਟ ਇਮੇਜ ਵਿਲ ਆਲਵੇਜ਼ ਬੀ ਵਰਚੁਅਲ ਇਮੇਜ। ਵੈਨ ਦੀ ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ? ਜਦੋਂ ਓਬਜੈਕਟ ਇਜ਼ ਪਲੇਸ ਬਿਟਵੀਨ ਦੀ ਫੋਕਸ ਐਂਡ ਦੀ ਪੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ? ਸੋ ਇਹ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਇਜ਼ 15 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸੀ ਸੀ, ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕੁਸ਼ਚਨ ਉਸੀ ਟਾਈਪ ਦਾ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਏਗਾ, ਆਨਸਰ ਸਟੇਟ ਵੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ 15 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ ਓਬਜੈਕਟ, ਠੀਕ ਹੈ? ਔਰ ਦੇਖੋ, ਵਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਦੀ ਰੇਂਜ ਆਫ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਦੀ ਓਬਜੈਕਟ ਫਰੋਮ ਦੀ ਮਿਰਰ? ਸੋ ਆਨਸਰ ਇੱਧਰ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਸਿੱਧਾ, 0 ਤੋਂ 15 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, 0 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ 15 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ, ਠੀਕ ਹੈ? ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਵਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਨੇਚਰ ਆਫ ਦੀ ਇਮੇਜ? ਇਟ ਵੀ ਵਰਚੁਅਲ, ਇਰੈਕਟ ਐਂਡ ਇਨਲਾਰਜਡ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਰਿਮੈਂਬਰ ਦੀ ਰੇ ਡਾਇਗਰਾਮਸ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਮਾਇੰਡ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਠਾ ਲਵੋ, ਠੀਕ ਹੈ? ਇਜ਼ ਦੀ ਇਮੇਜ ਲਾਰਜਰ ਔਰ ਸਮਾਲਰ ਦੈਨ ਦੀ ਓਬਜੈਕਟ? ਇਮੇਜ ਵਿਲ ਬੀ ਲਾਰਜਰ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਡਰਾਅ ਅ ਰੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਟੂ ਸ਼ੋ ਦੀ ਇਮੇਜ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਇਨ ਦਿਸ ਕੇਸ। ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਆਨਸਰ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਚੋ ਰੇ ਡਾਇਗਰਾਮ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਫੋਕਸ 15 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਲੈਂਥ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਵਿਦਇਨ ਦਿਸ ਵੀ ਹੈਵ ਕੈਪਟ ਦੀ ਓਬਜੈਕਟ, ਇੱਥੋਂ ਗਈ ਆ ਰੇ, ਗੋਜ਼ ਪੈਰਲਲ ਐਂਡ ਕਮਸ ਟੂ ਦੀ ਫੋਕਸ। ਅਤੇ ਇਫ ਦੀ ਰੇਜ ਗੋਜ ਇਨ ਅ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਦੀ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ, ਅਤੇ ਦੈਨ ਇਟ ਕਮਸ ਬੈਕ। ਸੋ ਦੇ ਆਰ ਨੋਟ ਐਕਚੁਲੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਸੋ ਦੇ ਅਪੀਅਰ ਟੂ ਮੀਟ, ਇਮੇਜ ਫੋਰਮਡ ਹੇਅਰ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਵਰਚੁਅਲ, ਇਰੈਕਟ ਐਂਡ ਇਨਲਾਰਜਡ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਲਿਖ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਨਵੈਕਸ ਮਿਰਰ ਗਿਵਸ ਐਨ ਇਰੈਕਟ ਇਮੇਜ ਆਫ ਐਨ ਓਬਜੈਕਟ ਵੈਨ ਦੀ ਓਬਜੈਕਟ ਇਜ਼ ਪਲੇਸ ਬਿਟਵੀਨ ਦੀ ਪੋਲ ਐਂਡ ਦੀ ਫੋਕਸ, ਦਸ ਦੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਲੈਸ ਦੈਨ 15 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਇਮੇਜ ਫੋਰਮਡ ਇਜ਼ ਵਰਚੁਅਲ ਐਂਡ ਇਨਲਾਰਜ। ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੀ ਰੇਂਜ ਆਫ ਦੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਇਜ਼ 0 ਤੋਂ 15 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ? ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ,
क्वेश्चन नंबर एट, नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन द फॉलोइंग सिचुएशंस। हेडलाइट्स ऑफ अ कार, साइड रियर व्यू मिरर ऑफ अ व्हीकल, सोलर फर्नेस। सपोर्ट योर आंसर विद रीजन। आओ देखिए, हेडलाइट्स ऑफ अ कार, कॉनकेव मिरर्स आर यूज्ड इन हेडलाइट्स ऑफ अ कार बिकॉज कॉनकेव मिरर गिव्स अ स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल बीम ऑफ पैरेलल लाइट नीडेड टू इल्यूमिनेट द रोड अहेड। जदों बच्चों लाइट सोर्स इज कैप्ट एट द फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर, तो लाइट उतों जाएगी कॉनकेव मिरर ते, एंड इफ द लाइट इमिनेट्स, इफ लाइट ओरिजिनेट्स एट द फोकस, देन द कॉनकेव मिरर विल गिव अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट। तो जो बल्ब होंगे बच्चों, हैडलाइट का बल्ब होंगे, इट इज प्लेस्ड एट द फोकस ऑफ दैट कॉनकेव मिरर, पिछे जो होंगे तो उन्हें की पैरेलल बीम जाती है सीधी, तो सामने लाइट उत्ते चानना नज़र आ जाता है बिकॉज डार्क भी सानू चाहिए सड़क के उत्ते, कोई टोआ तो नहीं आ रहा, खड्डा तो नहीं आ रहा, कोई पत्थर तो नहीं है, है ना। सो कॉनकेव लेंसेज आर, कॉनकेव मिरर्स आर यूज इन हैडलाइट्स। ठीक है, साइड रियर व्यू मिरर ऑफ व्हीकल, ऐसे पहले बड़ी बार हम रिपीट हो चुका है। सो कॉन्वेक्स मिरर इज यूज एज अ रियर व्यू मिरर बिकॉज कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज गिव्स एन इरेक्ट इमेज एंड ऑल्सो प्रोवाइड्स अ वाइडर field of view so that the driver can see a wide area behind him and he does not miss any traffic. ठीक है, आओ आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर सी, पार्ट नंबर सी, सोलर फर्नेस। सोलर फर्नेस होंगे बच्चे, सोलर कुकर पानी उबालने लई, रोटी बनाने लई, आलू उबालने लई यूज किया जाता है विदाउट एनी इलैक्ट्रिसिटी, सूरज की ऊर्जा के, सूरज की एनर्जी के। किस तरह कॉनकेव मिरर इज यूज इन सोलर फरनेस, जिदा दसिया ना बच्चे हैडलाइट में क्या है कि लाइट इज प्लेस्ड एट द फोकस एंड द पैरेलल बीम कम्स आउट, तो यहाँ उल्टा हो जाए, इफ पैरेलल बीम इज कमिंग एट द कॉनकेव मिरर ऑल द लाइट विल बी कंसनट्रेटेड एट द फोकस। ठीक है, सो कॉनकेव मिरर इज यूज इन सोलर फरनेस बिकॉज कॉनकेव मिरर फॉर्म्स अ हाईली डिमिनिश्ड रियल इमेज एट द फोकस वेन लाइट इज कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी। सो सन इज एट इन्फिनिटी एंड सो फार एज दिस रेज ऑफ लाइट आर कमिंग, है ना। सो पैरेलल रेज ऑफ लाइट कम, सनलाइट, दे कम फ्रॉम द सन फ्रॉम अ वेरी फार ऑफ डिस्टेंस विच इज नियरली एज गुड एज इन्फिनिटी। वैन दे अराइव हेयर आफ्टर रिफ्लैक्शन दे ऑल मीट एट द फोकस। सो जी बच्चों, ईच रे इज कैरिंग अ सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी, ऑल दैट एनर्जी इज दैन कंसनट्रेटिड एट फोकस। ते फोकस ते जे तुसी कोई पतीला रख दो पानी दा भर के, मतलब दिस इज ए फर्नेस विच इज द बच्चो कॉनकेव मिरर्स लगे होंदे ने। ठीक है ना, कॉनकेव मिरर लगे होंदे ने, ते सारी हीट एनर्जी उत्थे कंसंट्रेट हो जांदी सेंटर ते, जिथे यूटेंसिल रखिया जांदा, कुकिंग वेयर रखिया जांदा, कुकर होंदा जां कोई पतीला होंदा च पानी रख दो, आलू उबाल लो, कुछ भी कुकिंग कीती जा सकदी है। सो दस इट इज अ कन्वर्जिंग मिरर बिकॉज इट इज कन्वर्जिंग द सन्स रेज और इट इज कन्वर्जिंग द लाइट रेज। ठीक है, and can concentrate sunlight over a small area to produce tremendous heat. The heat produce hogi, so it will work like a furnace. Furnace mein da chulla hunda, chulle da kam karega. So koi bijli da bill nahi aunda, is tarah tusi garmiyan ch aur bade aaram naal cooking kar sakde ho. Theek hai, this is the bachcho magic of science. Padhai likhai da eh fayda hunda hai ki assi padh likh ke gyanwan hunne ha te fir oda assi fayda chukde ha. Theek hai, aage chaliye. Question number 9. One half of a convex lens is covered with a black paper. Will this lens produce a complete image of the object? Verify your answer experimentally. Explain your observations. आओ देखिए। Okay, ये बच्चों convex lens है, तो it is half is covered with the black paper. और बच्चों it will form an image. देखो, one half of the convex lens is covered with black paper. Yes, it will be able to form the image. As can be seen from the ray diagram above, however, the image will be fainter than usual. So the intensity thodi cut hoegi. Image may not be as bright as usual. ठीक है? ऐ क्यों बनेगा image? Because बच्चों इतो light ते pass हो रही है. So if light passes, तो image will form. देखो इतो light गई, इतने आ गई. ये इतनों दी जा रही है, थल्लियों दी जा रही है, इधर मतलब इतने जाएगी. ऐ इड़ा दूसरा end देख लो, तो इतनों दी जा रही है straight through the optical center. It will meet here. सो इमेज इतने बन जाएगा, तो इतों भी जाएगी, पर इतों हो सकता थोड़ी जी इतों की ब्लॉक हो जाए, बट पार्ट ऑफ लाइट विल आल्सो गो फ्रॉम हेयर। ठीक है, सो बिकॉज दिस पोर्शन इज अलाउइंग द लाइट टू पास
सो इमेज विल फॉर्म हेयर एज यूजुअल। ठीक है बच्चों, सो यह डायग्राम तुम बना सकते हो, तो इस तरह लिख सकते हो, रे डायग्राम सेज एवरीथिंग, इट इज क्वाइट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। ठीक है, आओगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 10, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, मतलब कि ऑब्जेक्ट की हाइट जी है वह 5 सेंटीमीटर हैगी है, इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस। हम बच्चों पता होना चाहिए कन्वर्जिंग लेंस क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस इज कन्वर्जिंग लेंस, कॉनकेव लेंस इज डाइवर्जिंग लेंस। सो कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, कन्वर्जिंग लेंस की फोकस फोकल लेंथ होंगी पॉजिटिव होंगी है, सो इट इज प्लस 10 सेंटीमीटर, इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे ऑब्जेक्ट, सो यू इज इक्वल टू -25, यू इज ऑलवेज -25। है मैं ता कह रहा बच्चों जिमें जिमें सवाल पढ़ो अपने दिमाग तुम वो गल बिठाई जानी है कि इस सवाल को किमें सॉल्व करना है, नहीं तो एच इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, यू इज इक्वल टू -25 बिकॉज इट इज कन्वर्जिंग, सो एफ इज इक्वल टू +10। सो यह गल जल्द बनती जाएगी सवाल पढ़ते जाओगे तो फिर सॉल्व करना बड़ा आसान हो जाएगा। ड्रॉ द रे डायग्राम एंड फाइंड द पोजिशन साइज एंड द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड। सो बच्चों इस सवाल को असी रे डायग्राम ना भी करांगे ते मैथमेटिकल भी करांगे। ठीक है, आओगे चलिए। ओके, सो दिस इज द रे डायग्राम बच्चे, देखो इतने ऑब्जेक्ट है, रे ऑफ लाइट गोज पैरेलल देन थ्रू द फोकस थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, इट गोज अनडेविएटेड, दे मीट हेयर एंड दिस इज द लोकेशन ऑफ द इमेज। सो वेन इमेज इज हेयर बियॉन्ड बिकॉज द देखो उन्होंने क्या फोकल लेंथ इज 10 एंड यू इज 25, ये मतलब की होया कि सेंटर ऑफ कर्वेचर रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 20 एंड यू इज 25, इट मीन इट इज बियॉन्ड टू एफ वन और सी वन, मतलब कि यह 10 है, यह 20 हो गया इतने तक, यह 25 हो गया। ठीक है, सो इमेज विल फॉर्म बिटवीन एफ टू एंड टू एफ टू। ठीक है बच्चों, यह तो हो गया रे डायग्राम, मतलब कि इस तरह तुम स्केल से ड्रॉ करोगे, यू कैन चूज दिस एज 10 सेंटीमीटर, कोई स्केल ले लो है ना, फिर इतने 10 सेंटीमीटर ले लो तो इतने 25 सेंटीमीटर ले लो, हैवी स्केल ला लो इस तरह। सो इस तरह ड्रॉ करोगे तो एग्जैक्टली जरा इस तरह बन जाएगा, दैन यू कैन कैलकुलेट दिस डिस्टेंस आलसो एंड यू कैन कैलकुलेट दिस हाइट आलसो जियोमेट्रिकली। हूँ मैथमेटिकली देखिए सवाल, क्योंकि दोनों तरीके आने चाहिए, यू इज इक्वल टू -25, एफ इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर प्लस एच इज इक्वल टू 5। वी नो दैट इन लेंसेज 1/v -1/u इज इक्वल टू 1/f, सो पुटिंग द वैल्यूज दैट इज 1/v, u is -25, -1/-25 is equal to 1/10, a minus plus ho gaya, so 1/v is equal to a 1/10 the agar to agar a plus ho gaya to ithe aake minus ho jayega, so 1/10 -1/25, 10 and 25 the lcm aa gaya bachcho toda 50, so 10 5 the 50, 5 1 the 5 ithe aa gaya, 25 into 2 is 50, 2 1 the 2, 5 minus 2 bata 50, पंच दो गए तीन, तीन बटा पचा। ठीक है, सो 1/v इज 3/50, इट मीन्स v इज इक्वल टू 50/3, उल्टा हो गया, सो व्हेन यू डिवाइड यू गेट 16.67 सेंटीमीटर। हूँ v पॉजिटिव आया, दैट मीन्स द इमेज विल फॉर्म ऑन द राइट हैंड साइड, दैट इज द साइड ऑपोजिट टू दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्योंकि u नेगेटिव है तो v पॉजिटिव आया, दोनों ऑपोजिट साइन है, इट विल फॉर्म ऑन द ऑपोजिट साइड। ठीक है, नाउ h डैश बाय h इज इक्वल टू v बाय u, मैग्निफिकेशन फॉर्मूला लेंसेज का, पुटिंग द वैल्यूज अगेन एच डैश बाय 5, 1 सेंटीमीटर हाइट है ऑब्जेक्ट की, इज इक्वल टू वी इज 50/3, देखो 50/3 एंड यू इज -25। ठीक है बच्चों, सो 50/3 होल डिवाइडेड बाय 25, सो 25 × 3 = 75 हो जाएगा, -50/75, 25 × 2 = 50, 25 × 3 = 75, -2/3। ठीक है जी, सो यह मतलब कि है एच डैश बाय 5 इज इक्वल टू -2/3 और एच डैश इज इक्वल टू -2/3 × 5, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, 5 ऊपर से आगे गुणा हो गया, सो -10/3 इज इक्वल टू -3.33, दैट इज द एच वन एच डैश, दस इमेज हाइट इज इक्वल टू 3.33 सेंटीमीटर। सो इमेज इज डिमिनिश्ड, इमेज इज स्मॉलर, इतने ओरिजिनल ऑब्जेक्ट हाइट इज 5, इमेज हाइट इज 3.33 सेंटीमीटर एंड नेगेटिव साइन शोज दैट इमेज इज रियल एंड इनवर्टेड। सो इतने स्टेटमेंट लिख देनी पूरी, दस रियल इनवर्टेड इमेज ऑफ हाइट 3.33 सेंटीमीटर विल फॉर्म एट द डिस्टेंस ऑफ 16.67 सेंटीमीटर ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। बस एक लाइन विच
पूरी इंफॉर्मेशन, पूरी जानकारी इमेज दी मिल गई। ठीक है, ओके चलिए। ओके क्वेश्चन नंबर 11, अ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, कॉनकेव है सो फोकल लेंथ विल बी नेगेटिव। ठीक है, फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। ठीक है, सो वी कितना हो गया बच्चों, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, हुन बच्चों कॉनकेव लेंस जरा है इट ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल इमेज, ठीक है, एंड डिमिनिश्ड इमेज एंड ऑन द सेम साइड, सो वी इज नेगेटिव। ठीक है, वी नेगेटिव होता है कॉनकेव लेंस हमेशा। हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस, ए बच्चे मैं तुम्हें क्यों दस रहा हूँ ओरली, ए तुम्हें रे डायग्राम बार बार करने पड़ेंगे। हम देखो मैं ओरली दसी जा रहा, क्यों, बिकॉज आई हैव डन द रे डायग्राम अगेन एंड अगेन, मैं पढ़ाना तो फिर मैं सब्जेक्ट का पता होंगे इस तरह। सो इस तरह तुम जो रे डायग्राम बार बार कर लोगे तो थोड़े दिमाग में पक्की तस्वीर बन जाएगी, यू कैन इमेजिन इट इन योर माइंड। ठीक है, सो हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस, हूँ असं यू कटना है तो अगल पक्की कि यू नैगेटिव आएगा तो हम सा जरा आंसर है ठीक है, पर इन्होंने कहा ड्रॉ द रे डायग्राम, सो असं मैथमैटिकली भी करा तो रे डायग्राम नाल भी करा। ठीक है, सो एफ इज इक्वल टू -15 सेंटीमीटर, वी इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर, यू इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सो नाउ 1/v -1/u इज इक्वल टू 1/f बिकॉज इट इज लेंस, सो लेंस फार्मूला आएगा माइनस वाला। सो 1/-10 इज इक्वल टू -1/u, यू सानू पता नहीं, इज इक्वल टू 1/-15, फोकल लेंथ इज नेगेटिव। सो यह क्या हो गया, दिस इज नेगेटिव, दिस टर्म इज नेगेटिव बिकॉज 1/-10, दिस टर्म इज नेगेटिव, दिस टर्म इज नेगेटिव। सो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय -1 टू सिंप्लीफाई द मैटर्स, सो सारे प्लस हो गए, 1/10 प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/15, और 1/u इज इक्वल टू 1/15 तो 1/10 इतने आ गया -1/10। सो 15 एंड 10 का जोड़ा अपना हैगा कि कहते एलसीएम आ गया 30। ठीक है, सो 15 2 32 बनता 2, 10 3 30 3 बनता 3, सो 2 -3/30 यह हो गया -1/30, दैट मीनस 1/u इज इक्वल टू -1/30। देखो यू नेगेटिव आ गया ना, सो यू इज इक्वल टू -30, दस ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, यह आ गया साडा आंसर मैथमेटिकली। हूँ रे डायग्राम ना भी आ सकता है बच्चों, सो इतने इन्होंने रे डायग्राम किया, इन्होंने मैथमेटिकली नहीं किया, कैलकुलेट नहीं किया, सो रे डायग्राम ने कितना करना है, देखो यह आ गया बच्चों रे डायग्राम। ठीक है, सो इधर कॉनकेव लेंस बना लिया, एक स्केल ले लिया, प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करता थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, तो यह है थोड़ा टेंस जी फोकल लेंथ हैगी 15 सेंटीमीटर है नाप ली, स्केल ले लिया कोई, तो इमेज जोड़ा है वह 10 सेंटीमीटर से लै लिया, हाइट कोई भी ले लो बच्चों, हाइट का कोई फर्क नहीं पेगा, मतलब ज़्यादा वड्डी ना लियो ताकि लेंस तो थले थले आ जाए, सो यू कैन टेक एनी हाइट, क्योंकि हाइट जी मर्जी लो बच्चों, जल्द यह वड्डा होगा तो प्रपोर्शनेटली यह वड्डा हो जाएगा, वह डिस्टेंस चेंज नहीं होएगा, इस करके डोंट वरी अबाउट कि तुहानू ए डैश बी डैश नहीं पता। सो जस्ट ड्रॉ अ वर्टिकल लाइन हेयर, इतने ड्रॉ की नहीं, फोकस तो इतने डॉटेड लाइन की, इतों की सॉलिड लाइन करती, दैट इज द रिफ्रैक्टेड रे, तो जिथे है जो सेंटर लाइन हैगी है इतों की, फिर एक लाइन ड्रॉ करती इस तरह उल्टी पैरल टू द प्रिंसीपल एक्सिस, फिर की किया बच्चे दूजी लाइन कड़ी करनी है ऑप्टिकल सेंटर टू दिस एज, जोड़ा है एक लाइन इदा ज्वाइन कर देनी है, यद पिछे खिंचनी है लाइन अपनी इस तरह, एंड इट विल मीट हेयर, दिस इज द लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, आ गया आंसर। सो इतने इदा ड्रॉ कर देना है, इतने इस तरह ए कर देना है। ठीक है बच्चे, सो ऑब्जेक्ट टू बी प्लेसड एट 30 सेंटीमीटर वो भी फ्रॉम द लेंस, और ऑब्जेक्ट टू बी प्लेस एट 2f1, मैं क्यों कह 2f1 बिकॉज OF1 इज 15, सौखा है, डबल चेक हो गया ना बच्चों, मतलब 15 का डबल कितना हो जाएगा 30, तो आंसर 30 आया, इट इज़ फॉर्मिंग एट 30 है, इट इज़ फॉर्मिंग एट, मतलब कि ऑब्जेक्ट इज टू बी प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द लेंस, और इन अदर वर्ड्स इट इज़ टू बी प्लेस्ड एट ट्वाइस द फोकल लेंथ, और एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, और एट 2f2, और 30 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द लेंस। ठीक है बच्चों, सो इस तरह ज्योमेट्रिकली भी सॉल्व किया जा सकता है, मैथमेटिकली भी किया जा सकता है। ओके चलिए, ओके क्वेश्चन नंबर 12, एंड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, इट मीन्स यू इज -10,
From a convex mirror of focal length 15 centimeter, it means focal length is plus 15, convex mirror आ गया, ठीक है? Find the position and nature of the image. So दिमाग जा गया सारा. So u is equal to minus 10, f is equal to plus 15, v is equal to question mark. उन्हें मिरर आ गया, so mirror formula लगाऊंगे, 1 by v plus 1 by u is equal to 1 by f. Putting the values 1 by v plus 1 by minus 10 is equal to 1 by 15. So minus इतने आ गए, minus हो जाएगा इतने. So 1 by v minus 1 by 10 is equal to 1 by 15 और 1 by v is equal to 1 by minus 1 by 10 थे positive हो जाएगा 1 by 15 plus 1 by 10 so 15 and 10 दा जड़ा आ गया LCM 30 आ गया so 15 to the 30 2 1 the 2 10 3 the 30 3 1 the 3 so 1 by v is equal to 2 plus 3 by 30 2 plus 3 is 5 5 by 30 5 6 30 1 by 6 So, if 1 by V is equal to 1 by 6, this means V is equal to 6. Thus, image will form at the distance of 6 cm from the pore behind the mirror, because convex mirror. And convex mirror always gives the virtual, erect and a diminished image. ठीक है बच्चो? Always gives virtual image. So right hand side te banega that is behind the mirror theek hai that is on the side opposite to the object aur ray diagram bhi dekh liya tha eh bachcho banega ray diagram this is the convex mirror object is placed here ray of light goes parallel and in the direction of focus it is reflected and then joining the center of curvature it goes back in the same direction So when you join the where these dotted lines intersect, that is the location of the virtual image A dash B dash. It is behind the mirror. It is erect. It is virtual and it is diminished. So ito dekho, a magnification M is equal to minus V by U. That is the mirror which is used in the formula minus V by U. So M is equal to minus a formula the sign hai. V is 6 positive divided by minus 10. So minus minus plus हो गया 6 by 10 0.6 magnification is equal to 0 plus 0.6 thus the image is diminished by the factor of 0.6 and plus sign shows that it is virtual and erect ठीक है बच्चों आगे चलिए question number 13 the magnification produced by a plane mirror is plus 1 what does this mean अगर notes which ऐसी दस चुके हैं so there are two things we have to look at one is the sign and second is the magnitude so sign is plus it means the image is virtual and erect the positive sign of magnification shows that image is virtual and erect and the magnitude one shows that the image is of same size as the object if magnitude is less than 1 image is diminished if magnitude is greater than 1 the image is magnified or enlarged theek hai aage chaliye Question number 14. An object 5 cm in length, that means h is equal to 5, is placed at a distance of 20 cm, that means u is equal to minus 25, in front of a convex mirror. Convex mirror means focal length will be positive of radius of curvature 30 cm. If radius of curvature is 30 cm, that means focal length is 30 by 2 is equal to 15 cm. Find the position of the image, its nature and size. Chalo ji, ho jayega solve bade aaram se aur. Okay, h is equal to 5, u is equal to minus 20, r is equal to 30, f is equal to r by 2, 30 by 2 is equal to 15. Formula lagana, 1 by v plus 1 by u is equal to 1 by f, mirror formula because it's a mirror. So, putting the values 1 by v, jama 1 by minus 20 is equal to 1 by 15. It means 1 by v minus 1 by 20 is equal to 1 by 15. Ithe aage positive ho jayega, so 1 by v is equal to 1 by 15 plus 1 by 20. 15, 20 the LCM आ गया 60, so 15 4 the 60, 4 1 the 4, 20 3 the 60, 3 1 the 3, so 4 plus 3 by 60, 7 by 60, that means V is equal to 60 by 7, dividing we get 8.57, V is positive, that means image is on the right hand side, that means image is on the side opposite to that of the object. The image will form at a distance of 8.57 centimeter behind the mirror or on the side opposite to that of the object. Now, dekhiye ge.
देखो एच डैश बाय एच इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू, दैट इज एच डैश बाय फाइव इज इक्वल टू माइनस एस आइन एवला वी इज 60/7 डिवाइडेड बाय माइनस 20 विच इज यू, सो माइनस माइनस पॉजिटिव हो गए, 60/7 होल इज डिवाइडेड बाय 20, सो 20 इंटू 7 इज 140, सो आई गॉट 60/140 विच मीन्स एच डैश डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 3/7 क्योंकि वी थी 60 तो वी सत्ते 140, सो एच डैश इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई किया 5 इंटू 3 15, 15/7 इज इक्वल टू 2.13, सो ये आ गई एच डैश, दैट मीन्स इमेज इज डिमिनिश्ड, ठीक है, क्योंकि एच इज 5, एच डैश इज 2.13 एंड साइन इज प्लस जोड़ा है टोटा है पॉजिटिव आ रहा है, देखो सो इट इज इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, दस द इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, है देखो है टोटा कॉन्वेक्स मिरर है ऑब्जेक्ट है इतने रे ऑफ लाइट गई कमिंग फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द फोकस, एक दूजी गई इतों की कमिंग फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर गोज बैक हेयर, सो वेन दे मीट हेयर और अपियर टू मीट इट गिव्स द लोकेशन ऑफ द वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज, ठीक है बच्चों, है बच्चों रे डायग्राम जड़े ने दे विल कम विद प्रैक्टिस, इवन न्यूमेरिकल्स आल्सो विल कम विद प्रैक्टिस, बड़े सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड ने, जड़ी गलती होंगी है रेसीप्रोकल की होंगी ये तो दूजी गलती होंगी प्लस माइनस साइन की, यह गलतियां ज़्यादा होंगे, सो इस गलतियां असं बच सकते हैं जे ए न्यूमेरिकल्स तुसी बार बार करोगे, ठीक है आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 15, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर, हूँ एच इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर, इट मीन यू इज इक्वल टू -27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर, सो कॉनकेव मिरर इट मीन फोकल लेंथ इज -18 सेंटीमीटर, एट वट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड, स्क्रीन बी प्लेस्ड मतलब कि वेयर विल द इमेज फॉर्म, चाहे यू कैन वेयर विल द स्क्रीन बी प्लेस्ड या यू कैन वेयर विल द इमेज बी फॉर्म, इट मीन्स फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ वी सो दैट अ शार्प फोकस्ड इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड, फाइंड द साइज एंड द नेचर ऑफ द इमेज, आओ देखिए रे डायग्राम के नाल भी ते मैथमेटिकली भी, ओके एच इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, यू इज इक्वल टू -27 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ इज इक्वल टू -18 सेंटीमीटर, सो फॉर्मुला इज 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, पुटिंग द वैल्यूज 1/v प्लस 1/-27 इज इक्वल टू 1/-18, ठीक है सो यह हो गया जल्द इन एमली वो किया सिंपलीफाई किया, सो प्लस माइनस माइनस, सो 1/v माइनस 1/27 इज इक्वल टू -1/18, सो यह इतने जाके पॉजिटिव हो जाएगा, सो 1/v इज इक्वल टू 1/27 माइनस 1/18, ठीक है बच्चों, सो अगे देखिए हूँ इन 27 और 18 का एलसीएम क्या देगा बच्चों 54, सो 27 इंटू 2 इज 54, 2 वन द 2, 18 3 द 54, 3 वन द 3, सो 2 माइनस 3 होल डिवाइडेड बाय 54, 2 माइनस 3 इज माइनस 1 बाय 54, दैट इज v इज इक्वल टू -54, इट मीन्स u इज माइनस v इज माइनस, दैट मीन्स इमेज विल फॉर्म ऑन द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, दैट मीन्स इन फ्रंट ऑफ द मिरर, दैट मीन्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, दस द स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 54 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर ऑन द लेफ्ट साइड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, और यू कैन राइट और ऑन द सेम साइड एज द ऑब्जेक्ट, ठीक है आगे चलिए। हूँ देखिए साइज ऑफ द इमेज, एच डैश बाय एच इज इक्वल टू -v बाय यू, दैट इज एच डैश बाय 7 क्योंकि दैट इज द ऑब्जेक्ट साइज, इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट एच -54 डिवाइडेड बाय -27, सो दिस माइनस कैंसिल ईच अदर आउट, दिस माइनस रिमेन्स दिस दिस एंड दिस मीन्स -54/27, सो अगे हूँ 27 इंटू 2 इज 54, सो इज इक्वल टू -2, ठीक है हूँ दिस मीन्स एच डैश इज इक्वल टू एच इंटू -2 इज इक्वल टू एच इज 7, सो -14 सेंटीमीटर, दैट मीन्स द इमेज इज मैग्नीफाइड बाय ए फैक्टर ऑफ 2 और इमेज इज ट्वाइस द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड माइनस साइन शोज दैट इमेज इज रियल एंड इनवर्टेड, दस द इमेज इज मैग्नीफाइड 14 सेंटीमीटर इज रियल एंड इनवर्टेड, इमेज ऑब्जेक्ट है इट गोज पैरेलल पासिस थ्रू फोकस देन अनदर वन इफ इट पासिस थ्रू फोकस इट रिफ्लेक्ट्स एज अ रे
parallel to the principal axis. They both intersect here, and this is the location of the image. So image is magnified, inverted and real. ठीक है बच्चों, आगे चलिए. Okay, we are approaching the end of this exercise. This is the second last question. Find the focal length of a lens of power -2.0 diopter. D for diopter. What type of lens is this? बड़ा सिंपल सवाल है. एक डेढ़ नंबर दा, दो नंबर दा हद आ सकता है. ठीक है. The negative sign shows that the lens is concave. एक बार बार ऐसे रिपीट कर चुके हैं. Also, f is equal to 1/p, provided f is in meters. So, is equal to 1/2. ठीक है ना. So 1/2 is equal to 0.5. Answer will be in meters. The lens has focal length of -0.5 meter or -50 centimeters. ठीक है बच्चों, आगे चलिए. Last question. A doctor has prescribed a corrective lens of power +1.5 diopter. Find the focal length of the lens. Is the prescribed lens diverging or converging? So f is equal to 1/p, is equal to 1/1.5, is equal to 10/15, is equal to 2/3, is equal to 0.67 meters. Thus the focal length of the lens is 0.67 meter or 67 centimeter. Because the sign is positive, the lens is convex and convex lens is converging. As the sign of the power is positive, the lens is convex or converging. So pyare vidyarthiyo, with this we come to the end of this video and also to the exercises given at the end of this chapter. So tusi pyare vidyarthiyo, isi tarah dat ke discipline de naal, focus de naal, devotion de naal, dedication de naal ate regularity de naal, nirantarta de naal अपनी पढ़ाई डट के करते रहो ते अगे वधदे रहो. अगले वीडियो तक लई गुड बाय. तुहाडा सारिआं दा बहुत बहुत धन्नवाद. रब रखा. थैंक यू वेरी मच.